Hey guys, welcome back to our channel सोना सिंह सोनू में। अभी बर्तन माज रहे हैं, इसके बाद इतना सारा बर्तन माज रहे हैं, देखिए कष्ट कितना है। इसीलिए हम चाहते हैं कोई लड़की की जिंदगी ना बर्बाद करे, अपना घर पे ही आराम थोड़ा थोड़ा काम बर्बाद करेंगे, आएगी तो हमारा हेल्प नहीं करेगी। तो अभी मम्मी मम्मी का ना पता नहीं है कहाँ है, नहीं और भाभी का देखिए इधर रंग लगा है, होली खेली है आज, होली खेले है आज, गए थे ना मंदिर उधर से आके होली खेले है लोग। बाकी अभी सोच रहे लोग क्या बने क्या बने, स्नैक्स में भी और खाना में भी पोस्ट हो रहे हैं, मन भी है पास्ता बनाने के लिए। मेरा एक सवाल है, पब्लिक का भी सवाल है, क्या कि भैया क्यों नहीं आ रहे, उसके ऊपर क्या बात किया जाए? वो चीज अभी मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए, 2-3 दिन रुक जाएगी, हम सब कुछ बताएंगे। तो बस आप लोग तब तक इंतजार करें। और इधर आकाश अभी भाभी का हेल्प करने आया, पानी भर के देगा, पानी भर के तो हेल्प करने आया, पानी भर के देगा, पानी एक बाल्टी पानी और भर देगा, एक बाल्टी और। बाकी हंस रहे थे पीछे से कि हम लोग बर्तन भी माज रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी बना रहे हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट टेक में, स्नैक में क्या बनेगा, खाना में क्या बनेगा उसके साथ। कि बता रहे थे कि डिनर में क्या बनेगा, तो भाभी तैयारी कर रही इधर, अब हमको भी नहीं पता, बताइए क्या बनेगा। डिनर अभी नहीं बन रहा, अभी पास्ता बन रहा है स्नैक्स के लिए, तो अभी पास्ता बनेगा तो डिनर कब होगा पता नहीं, टाइम 6 बजने वाला है, वही डिनर ही कंफर्म नहीं हो रहा था, इसीलिए हम बीच में पास्ता के लिए ब्रेक लगा दिए ताकि देरी हो जाए। मम्मी इधर बैठ के देख रही है, मतलब कि सीख रही है, और इधर आ रही है, और हमारा हालात आज खराब है, बुखार लग रहा है, तब जा रहे हम सोने। ठीक है बनाइए, ब्लॉग संभालिए, हम जा रहे हैं, बाय। बनाने के चक्कर में हम टेक लेना ही भूल गए, क्या किए कैसे किए। वैसे भी अब मेरे को कल जैसा फिर से लग रहा है कि जरूरी भी नहीं है, बिकॉज सब लोग बनाते हैं, सब लोग खाते हैं, रेसिपी बताने वाला चैनल हमारा है नहीं, वैसे भी आप लोग भी कितना झेलेंगे, बहुत झेलते हैं आप लोग भी। बाकी बांटते वक्त खिलाते वक्त या रिव्यू लेते वक्त जरूर पूछेंगे, उस समय तारीफ या बुराई सुनना होता है ना, इसलिए। अभी वैसे लगभग हमारा पास्ता हो चुका है, देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा पक गया है मेरे से, फिर से ज़्यादा क्वांटिटी में होने पे यही दिक्कत होता है, पक जाता है ज़्यादा ही। बाकी बन गया है, हमको क्वांटिटी देने नहीं आता है, इसीलिए बना के मम्मी को बोले हैं निकालने के लिए, मम्मी निकाल रही हैं, आरुही इंतजार में बैठी हैं चम्मच लेके, जल्द आरुही को मिल गया। बाकी अब सब लोग को बटा जाएगा, देखते हैं विशाल सोए हैं कि जगे हैं। तो ठीक हो गया आपका, क्या करे, सब इसी में लेके चलना पड़ता है। हाँ नहीं बेचारे खाने नहीं आए, हम ही जाके दे आए थे, तो फिर सब किसी के साथ आ गए बैठ के खाने, उधर राजा है उधर नीरज है, अरुणी कहाँ है, ओ उधर मंजली मम्मी है, इधर आकाश है, इधर हम है, इधर मम्मी है। बाकी खाते वक्त नहीं बात करना चाहिए, पास्ता बनने के बावजूद जलेबी आया है, केला आया है, इन्हें हम नहीं बता सकते, कोई ज़्यादा पहचानता है तो हाथ देख के बता दे। यहाँ हम अपने हस्बैंड का जूता धो के रखे हैं ताकि हम इनको घुमाने ले जा सकें, ये तो हमको ले नहीं जा रहे हैं घुमाने, तो हम भी इनको ले जा रहे हैं छत पे घुमाने, इनको थोड़ा टहला देते हैं, मे बी कि इनका तबीयत थोड़ा सा सही हो जाए। बाकी इनके बारे में बहुत सारा बात है, इतना ज़्यादा है कि हम वीडियो में अभी स्टार्ट ही नहीं करना चाहते हैं, कभी फुर्सत में 2-4 दिन में बैठेंगे तब बात करेंगे। बाकी अभी हम छत में आए हैं इनके साथ घूमने, नीचे जाके फिर देखते हैं डिनर का क्या प्लान है, मन तो कर नहीं रहा बिकॉज पास्ता आज ज़्यादा ही हो गया, इस वजह से मन नहीं कर रहा, बट देखते हैं हजम हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर ऐसे ही सो जाएंगे। बाहर में बारिश होके छूट भी गया, और सामने देखिए उधर टावर है, उसी टावर से हम इधर कनेक्ट होता है तो 5G बहुत स्पीड पकड़ता है, तो वीडियो अपलोड करने आते हैं सर जी के छत पर, और यही सर ये श्रवण सर का यही कोचिंग है, मीना ऑनलाइन क्लासेस, इधर अनुराग है, इसी में बैठ के वीडियो अपलोड कर दिए, बारिश छूट गया अब घर जा रहे हैं, फिर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको मिलेगा। देख सकते हैं इधर बारिश हो रहा है, और बारिश में हम वीडियो अपलोड करने आए हैं श्रवण सर का, जैसा कि आप लोग जानते हैं उनके छत पे, तो ये श्रवण सर का कोचिंग है, और इधर बैक कैमरा से दिखाते हैं, बारिश हो रहा है, पास में ही 5G टावर है, इसलिए हमको यहाँ पे आके वीडियो अपलोड करना पड़ता है, और उधर उनका भाई बैठा हुआ है अनुराग, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है अंधेरा में, हम इधर लाइट में है तो दिख रहा है, अब फिर बैक कैमरा से दिखाते हैं, और कहाँ कहाँ बारिश हो रहा है एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ऐसा है कि बहुत सारा कमेंट्स भी आ रहा है इनको लेके, मतलब मेरे हस्बैंड को लेके और फैमिली को भी लेके, मतलब नॉर्मल कमेंट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब या अच्छा है। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि अभी हाल फिलहाल में ही, लगभग हफ्ते भर के अंदर में हम लोग, हफ्ते भर नहीं, होली के पहले ही हम लोग बहुत जगह घूमने वाले हैं। पटना, हाजीपुर, सोनपुर, वैशाली, ये सब कुछ जगह है लोकल का जो, जहाँ हम लोग घूमने वाले हैं। तो वहाँ हम लोग वैसे जा रहे हैं शॉर्ट्स के लिए, लेकिन क्या है कि बहुत लोग आने के बाद कमेंट कर रहे हैं आप यहाँ आए थे बताए नहीं, इसलिए हम बता रहे हैं। बाकी सब कुछ डिटेल में जानने के लिए आप प्रॉपर वीडियो देखते रहिए, क्योंकि जब भी प्लान फिक्स हो जाएगा हम वीडियो में बता देंगे। और उससे भी आपको ज्यादा जानकारी थी, जैसे डायरेक्टली आपको हम लोग से बात करना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ज्यादा नंबर से मैसेज आने लगा था, इस वजह से हम लोग नंबर हटा दिए यूट्यूब से। बाकी इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मतलब ऐसे हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं देख पाते हैं। इंस्टाग्राम का आईडिया, हाँ इंस्टाग्राम का आईडिया आप सर्च कर सकते हैं इसी नाम से। बाकी आपको अगर मिलना हो तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं कमेंट की तरफ। कमेंट में था कि आपकी मछली मम्मी के कितने बच्चे हैं। तो मछली मम्मी के दो बच्चे हैं, एक नीरज है और एक भैया है। तो भैया बाहर में रहते हैं दिल्ली में, तो वो बाहर रहते हैं। बाकी और कमेंट है बहुत सारा, सबसे ज्यादा तो कमेंट है आप लोग समझ ही सकते हैं इनको लेके, जो कि अभी हम खुद क्लियर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो ये नीरज भाभी के साथ बैठ के हेल्प करवा रहा है खाना बनाने में। नीरज को जाके बाहर है बोलता है लोग, तो एक बोलना बंद करके आप लोग, हाँ वीडियो में आते हैं। देखिए ये भाभी के साथ बैठ के हेल्प करवा रहा है खाना बनाने में, और सीख भी रहा है कि बाद में मेहरारू को भी बना के खिलाना पड़ेगा। काफी बन रहा है गोभी और मटर का सब्जी, बन रहा है और रोटी बनेगा, बाकी दो घंटे में पता नहीं क्या बनेगा, अभी तो सिर्फ अभी के लिए बन रहा है। तो एक और कमेंट है कि आप माइक कौन सा यूज करते हैं। उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बट माइक है हमारा मैक ब्रांड का, MAK, स्पेलिंग उसका होगा, मैक ब्रांड का हमारा माइक है। और सच बताएं तो हमारा ये सेकेंड हैंड है। और भी कमेंट है बहुत सारा कि बहुत अच्छा लगा गणिनाथ बाबा जी का दर्शन। जी हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। भैया जी गुस्सा है क्या, वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, आपके आपके बिना सब बोल रहे हैं पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, कुछ रीजन होगा इस वजह से नहीं बोल रहे, जो कि हम क्लियर करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा टाइम दीजिए आप लोग, इस वजह से नहीं बोल रहे हैं वो। और सबसे ज्यादा यही कमेंट है, हम क्या ही कहें। और भी लेकिन कमेंट है कि आपका वीडियो देखने का मन नहीं करता, मे बी है कि आपको देखने का मन नहीं कर रहा हो, अब उतना सही हो भी नहीं इसलिए। बाकी काजल कमेंट किए हम विशाल, हाँ विशाल भैया का शादी करवा दीजिए जी, जब लड़की मिल जाएगी तो करवा देंगे। भैया बोलते क्यों नहीं, वीडियो अच्छा है लेकिन आपके हस्बैंड कुछ नहीं बोलते हैं ना, वो समझ नहीं आया। सबका जवाब मिलेगा, थोड़ा दिन और वेट करिए। और सोनी जी का कमेंट है मेरा बहन से शादी करवा दीजिए ना दीदी, बहुत सुंदर है, अगर आप हमारे बिरादरी में हैं तो बिल्कुल आप रिश्ता भेजिए, हम लोग करा देंगे शादी। और भी एक आध कमेंट, रुक जाइए देख रहे हैं, और कमेंट है दीदी आपकी सासुमा बहुत अच्छी लग रही है एंड सो क्यूट सोना दीदी। जी सासुमा मेरी अच्छी लगती ही है, वो भी बात है। और एक कमेंट है वो गणिनाथ जो मंदिर हम लोग गए थे, वो किसी का कुल देवी कुल देवता जो होते हैं गणिनाथ है। बिल्ली बिल्ली मौसी गई आकाश के रूम में, आंख बहुत बढ़ता है उसका। बाकी तो सबसे ज्यादा वही कमेंट है जिसका हम क्लेरिफाई करेंगे कुछ दिन में। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।